प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 फिजिक्स का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का। समय 3 घंटे 15 मिनट। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सर्वप्रथम परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर लिखे, प्रत्येक प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखे। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर रोल बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलिया का उपयोग किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र मापन में, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में, विद्युत धारा मापन में। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। पृष्ठ के समांतर पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ से 45 डिग्री कोण पर उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह घटना तरंग के कौन से सिद्धांत के द्वारा ज्ञात होती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण और द्वय प्रकाश का विक्षेपण। प्रश्न नंबर 4, चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध के अनुपात का मात्रक निम्नलिखित में से किस राशि के मात्रक के समान होगा। आवेश, विभवांतर, धारा, चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 5, शुद्ध प्रेरकत्व या धारिकता का शक्ति गुणांक का मान होता है 1π0 या 10 से अधिक। छठा प्रश्न, प्रमुख क्वांटम संख्या एवं बोर कक्षा की त्रिज्या में निम्न निर्भरता होती है। Rn प्रोपोर्शनल n 1/2, Brn प्रोपोर्शनल n स्क्वायर 2 से Rn प्रोपोर्शनल n की स्क्वायर 1/3 दे Rn प्रोपोर्शनल n। प्रश्न नंबर 2 में आगे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा रिक्त स्थान को दर्शाती है। 8वां, प्रत्यावर्ती धारा जनित रिक्त स्थान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 9, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा EW होती है। प्रश्न नंबर 10, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध ओमेगा होता है रिक्त स्थान। 11वां, क्यूरी ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ रिक्त स्थान हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 12, बायोसेवर्ट नियम को सदिश रूप में व्यक्त करो। 13 में है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण निम्न है, 200√2 sin साइन 100π t, इसका वर्ग माध्य मूल मान अथवा आवृत्ति लिखो। 14 है, यंत्र की फ्रिजों की चौड़ाई पर किन किन भौतिक राशियों का प्रभाव पड़ता है। 15 नंबर, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। 16 नंबर, अल्फा कण क्या है। प्रश्न नंबर 16 पर अभिक्रिया में वायु के परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या बताइए। प्रश्न नंबर 4 में लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 17 नंबर देखिए क्या है। चित्र में दर्शाए गए संयोजन की बिंदु पी व एन के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18 देखिए क्या है। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5.0A से 0.0A तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्व प्रेरकत्व का आंकलन कीजिए। 19, अनुनाद की शर्तें लिखिए। श्रेणी RLC परिपथ में अनुनादी अवस्था से क्या तात्पर्य है। 20वां, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 21वां, अपवाहवेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण प्राप्त कीजिए। प्रश्न नंबर 22, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखिए। फिर 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय 23वां प्रश्न, लेस समता का ऐसा मात्रक लिखिए। लेस मेकर सूत्र I/f = n-1 1/r1 - 1/r2 व्युत्पन्न कीजिए, अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट का वर्णन कीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, इसकी कुल आवर्धन समता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न नंबर 24, गाउस का नियम लिखिए। इसकी सहायता से अंत लंबाई के समान रूप से आवेशित रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए, अथवा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हुए द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 25 क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी चालक में धारा का मान मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाहवेग के समानुपाती होता है। अपवाहवेग की सहायता से ओम के नियम का स्थापन कीजिए, अथवा किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए। मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में दिए गए परिपथ चित्र में अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर
जो ऊपर आए थे उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। जैसे इसका है स, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। दूसरे का है फर्स्ट के लंबवत। तीसरे में है स, प्रकाश का ध्रुवण। चौथे में है आवेश। पांचवे में है स, शून्य। छठे में है ब। रिक्त स्थानों की बात करें तो सातवें में शक्ति, आठवें में यांत्रिक, नौवें में 13.6, दसवें के अंदर अनंत, ग्यारह में अनुचुंबकीय,